हेलो टीचर्स कैसे हैं आप सब लोग मुझे उम्मीद है आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जी जान से टेट की तैयारी में लग गए होंगे ठीक है तो मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया रीजनिंग का तो उसमें बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और ये उसी का एक कड़ी है जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आई थिंक थ्री पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं ये फोर्थ पार्ट है तो आप इसको भी अच्छे से देखेंगे उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे जितने भी कोशिश मैं करा रहा हूँ ठीक है सो so स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी वन टोटल टू हंड्रेड क्वेश्चन रहता है और बीच बीच में टोटल मिला के सेवेंटी 80 एटी क्वेश्चन रीजनिंग कर दे आपको बता चुका हूँ मैं वेटेज तो इसी हिसाब से आज मैं पूरा पेपर वन एक सेट उठाया था मैं पूरा कोई भी एक पेपर न उठा लिया था उसके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे सबको मैंने करा दिया ये आखिरी पार्ट है इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा कोई दूसरा सेट उठाऊंगा वहाँ के सारे रीजनिंग में कराऊंगा इसी तरह ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं आज के आज का पहला क्वेश्चन जो है आ, ये इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स सायराम्स रैंक ट्वेंटी थ्री फ्रॉम टॉप रैंकिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन है ये कहाँ से, कहा से लिया गया है रैंकिंग ऑर्डर से इज हिज रैंक ट्वेंटी सेवन फ्रॉम बिलो देखो टॉप और और बिलो मतलब कोई सायराम बंदा है वो देखो सायराम है ऊपर से टॉप से कितने नंबर पे ये समझो यहाँ से स्टार्ट हुआ लाइन ट्वेंटी सेवन है फ्रॉम अप साइड और नीचे से कितने पे है वो नीचे से अगर देखेंगे हम लोग तो वो है ट्वेंटी सेवन फ्रॉम बिलो ना 27 दिया हुआ है ये दिया हुआ है ऊपर से 23 है सॉरी ऊपर से 23 है और नीचे से 27 है अब क्या बताना है आपको हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द्लास क्लास में स्टूडेंट कितने अब तुम लोग को देखो टोटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन या टी प्लस बी माइनस वन अब ये एल प्लस आर अगर लेफ्ट राइट दिया रहेगा तो लेफ्ट राइट लेंगे और टॉप बॉटम दिया रहेगा टॉप बॉटम लेंगे ये फार्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी टॉप बॉटम दिए यूज़ करेंगे हम लोग टी वाला फार्मूला टॉप से कितना ट्वेंटी थ्री है बॉटम से है ट्वेंटी सेवन है और माइनस वन कर दो ठीक है सो ट्वेंटी थ्री टेन हो जाएगा टू टू फोर फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन विच ऑप्शन इज फोर्टी नाइन ये डी ऑप्शन समझ में आया अगर कोई एक बंदे पोजीशन ऊपर से और नीचे से दोनों से दिया हुआ है और टोटल निकालना है टोटल टी प्लस बी टॉप प्लस बॉटम एक माइनस कर दे माइनस क्यों कर रहे क्योंकि ये दो बार काउंट होता है एक बार ऊपर से भी काउंट हो रहा है एक बार नीचे से भी काउंट हो रहा है तो ट्वेंटी थ्री और प्लस सेवन ट्वेंटी सेवन फिफ्टी मत कर देना फिफ्टी भी ऑप्शन में दिया हुआ है ठीक है तो ये मत कर देना क्यों क्योंकि ये ऊपर से भी काउंटर है नीचे से भी काउंटर साई राम जो बंदा है उसको दो बार काउंट कर रहे हो ना इसलिए यहाँ पे हम लोग तो क्या करते हैं एक माइनस कर देते हैं आई होप को समझ में आ गया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमेशा टोटल करने के लिए एक बंदे को दो बार काउंट कर रहे हैं इसलिए टी अब लेफ्ट राइट कभी दे, दे देगा लेफ्ट से ही है राइट से ही है तो एल प्लस आर माइनस वन टी प्लस बी माइनस वन दोनों एक ही फार्मूला है अब डिपेंड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछता है वो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये देखो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि फोर ग्रुप्स ऑफ देयर स्टेटमेंट रिज द स्टेटमेंट इन इज ग्रुप केयरफुली आइडेंटिफाई द ग्रुप्स आइडेंटिफाई द ग्रुप्स विच क्या दिया आर थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलोज द फर्स्ट टू स्टेटमेंट इन द गिवन बिलो इस सज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा चैप्टर है ये सिलॉक्स का क्या बोलते हैं इसको सिलॉक्स सिलॉक्स का दिया हुआ है सिलॉक्स में क्या रहेगा आपका कि नो एस्थेटिक अब इसके अंदर देखो चारों दिया हुआ है चारों को तुमको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है बी सी डी सी डी आगे ए बी ए बी ऐसे कुछ दिया हुआ है ठीक है तो मतलब आपको चारों चेक करना पड़ेगा चेक कैसे करेंगे एकदम सिंपल तरीका है नो एस्थेटिक इज एन एथिस्ट तो ए चेक कर रहा हूँ मैं चलो मैं ए यहाँ चेक कर रहा हूँ ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है नो इस्थेटिक इज एन एथिस्ट मतलब अगर तुम इसको क्या मानते हो इस्थेटिक मानते हो इस्थेटिक कोई भी नहीं है मतलब कोई रिलेशन नहीं है तो एथिस्ट की तरह आ जाएगा आगे आ जाएगा एथिस्ट कोई भी एस्थेटिक नहीं है सम आर मोनोथिस्ट तो सम जो है वो मोनोथिस्ट है ये मोनोथिस्ट है क्या ये मोनोथिस्ट है ठीक है ये पार्ट कुछ पार्ट मतलब ये इतना पार्ट किस में आ रहा है ये मोनोथिस्ट में है. अब ये दोनों का यूज करके तीसरा सही है कि गलत ये बताना है अपने को सम मोनोथिस आर नॉट पॉलिथिस सम मोनोथिस आर नॉट पॉलिथिस ठीक है तो मोनोथिस और पॉलिथिस का कोई रिलेशन ही नहीं दिया तो कोई भी तुम लोग कंक्लूजन निकाल नहीं सकते क्योंकि पॉलिथिस तो है ही नहीं कहीं भी देख रहे हैं? कोई पहले और दूसरे में पॉलिथिस था ही नहीं तो रिलेशन कैसे निकालोगे तो कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते तो पहला क्या हो गया गलत हो गया नहीं समझे पहला और दूसरा आपको यूज करके निकालना है फर्स्ट एंड सेकंड यूज करके तीसरा सही है गलत बताना है पोलोस कर रहा है कि नहीं तो पोलोथिस तो पहले दूसरे में कहीं यूज़ ही नहीं किया गया है तो ये तो हंड्रेड परसेंट गलत हो गया अब बी देखते हैं बी में क्या दिया हुआ है सेकंड कलर में ले लेता हूँ ताकि तो आपको अच्छे से समझेगा बी में क्या दिया हुआ है कि ऑल सेंटेंसेस आर वर्ड्स क्या दिया हुआ है अगर तुम इसको सेंटेंस मानते हो एस को एस फॉर सेंटेंस तो ये सारे किस में आ रहे हैं वर्ड्स में आ रहे हैं तो ऑल सेंटेंसेस आर वर्ड्स ये है नो वर्ड्स नो वर्ड्स डज नॉट हैव मीनिंग कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं है तो मीनिंग में कोई रिलेशन नहीं है इसका वर्ड का ये हो गया आपका मीनिंग हो गया अब ये दोनों के बेस पे तीसरा क्या सही है क्या सम विच डो नॉट हैव मीनिंग आर नॉट सेंटेंसेस क्या दिया हुआ है सम विच आर नॉट मीनिंग आर नॉट सेंटेंसेस जो कोई भी अगर मीनिंग नहीं तो सेंटेंस नहीं है तो नहीं है बोल रहा है ना नॉट नॉट सेंटेंस डायग्राम से क्लियर दिख रहा है कि मीनिंग और सेंटेंस का कोई रिलेशनशिप नहीं है तो क्लियर यहाँ पे ये सही हो जाएगा समझे क्या जब इसमें कोई रिलेशन नहीं है तो नॉट भी सही हो जाएगा सी देखते हम लोग सी में क्या दिया हुआ है नो रिवर इज सी क्या दिया हुआ है नो रिवर इज सी मतलब अगर तुम इसको रिवर मानते हो इसको इसको ये रिवर है तो इसका सी से कोई रिलेशन नहीं है मतलब क्या लोगे इसको सी कोई रिलेशन नहीं अलग अलग है सम सीज़ आर ओसन सीज का सम पार्ट्स ये ये कौन है ओशन है ठीक है अब इसके बेस पर कंक्लूजन क्या दे रहा है सम ओसन्स आर नॉट रिवर्स सम ओसन्स आर नॉट रिवर देखो ये ओसन का सम पार्ट है और ये रिवर नहीं है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सही है नहीं है ना देखो ये नहीं का निशान लगाया मैंने तो मतलब ये सही बोल रहा है सी भी सही है अब डी में देखते ऑप्शन नंबर डी डी में क्या बोल रहा है कि नो एम एम टी एस इज एम आर टी एस तो अगर इसको एम एम टी एस मानते हो तुम लोग एम एम टी एस ये क्या नहीं है कोई भी रिलेशन नहीं है किससे एम आर टी एस से एम आर टी एस से ठीक है ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर एम आर टी एस जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स किसके अंदर आ रहा है एम तो ये समझो छोटा सा सर्कल है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये सारे किस में आ रहा है एम में आ रहा है ठीक है अब इसके बेस पे क्या रिलेशन देखिए नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एम जब भाई बाहर वाला का रिलेशन कुछ नहीं एम से तो अंदर वाले के रिलेशन कहाँ से होगा कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल सही बात है तो ये भी सही हो गया मतलब कौन कौन सा सही है बी सी डी ये तीनों सही है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी सी डी यही पहले ऑप्शन आपको मिल गया तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है बी में दिया होता है सी डी चलो सी डी सही है लेकिन ए बी भी सही है तो तीनों सही है तो तीनों वाला ऑप्शन यही है बी सी डी करेक्ट है समझ गए ए नहीं है ठीक है ये ऐसे क्वेश्चन आपको करना है ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आपको करना तो पड़ेगा स्लॉगिजम बोलते हैं इसको इसको सॉल्व करने का मेथड यही है, है। आपको सर्कल बना बना के करना पड़ेगा किसका रिलेशन किससे है किससे नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो ये बोलता है नंबर सीरीज क्या होता है मिसिंग नंबर जिसको बोल सकते हो नंबर सीरीज से क्या क्या दिया हुआ है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो माइनस टू देखो थ्री सेवेंटी सिक्स फिर फिर ये ले थ्री सेवनटी सिक्स वन एटी एट एटी एट फोर्टी सिक्सटीन एट माइनस टू ऐसे दिया हुआ है अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू से माइनस टू से कहा गया है माइनस टू माइनस टू से फोर हुआ है फोर से सिक्सटीन हुआ है रॉन्ग बताना है मतलब इसके अंदर रॉन्ग सीरीज कौन सा है रॉन्ग नंबर कौन सा है ठीक है तो चार्ल फोर्टी सिक्सटी एटी एट वन एटी एट और थ्री सेवेंटी सिक्स ठीक है अब देखते हैं कि माइनस टू से फोर कैसे बना होगा तो ये तो समझ में नहीं आ रहा ये देखते हैं फोर को सिक्सटीन कैसे बनाओगे अब आप अब दिमाग में क्या आएगा फोर का स्क्वायर कर दो सर सिक्सटीन आएगा तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन लेकिन सिक्सटीन का स्क्वायर फिर फोर्टी नहीं होता स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया अब अगर फोर टू जहा ऐट अगर फोर को टू से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस एट करते हैं फोर टू जै एट एट प्लस एट सिक्सटीन हो रहा है बिल्कुल हो रहा है अब ये इसमें इसमें देखते हैं सिक्सटीन टू जा करके देखते सिक्सटीन टू जा प्लस एट तो सिक्सटीन टू जा थर्टी टू प्लस एट तो कितना हो रहा है फोर्टी आ रहा है हाँ ये भी आ रहा है अब पहला करके देखते माइनस टू इन टू में क्या लिया मैं टू लिया प्लस में एड करना है क्या करना है सब में एड ऐड करते जाना है तो माइनस फोर प्लस एट क्या आ जाएगा फ़ोर बिल्कुल फ़ोर सही, सही है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है अब एटी एट आता है क्या देखते क्या करोगे फ़ोर्टी इंटू टू प्लस में एट तो फोर्टी टू जी एटी प्लस एटी एट ये भी सही आ रहा है अब एटी एट मल्टीप्लाई बाय टू एटी एट मल्टीप्लाई टू प्लस एट कितना आएगा एट्टी एट टू एट या सिक्सटीन टू एट या सिक्सटीन सेवनटीन प्लस एट कितना आ रहा है वन हंड्रेड एट्टी फोर लेकिन कितना दिया हुआ है वन एट दिया हुआ है मतलब यही अपना आंसर है ये मिसिंग टर्म ये रॉन्ग सीरीज़ है समझ में आ रहा है वन एटी फोर है लेकिन वन एटी एट अब अब ये सही थ्री सेवेंटी सही गलत ये भी चेक कर लो 184 मल्टीप्लाई क्या करना है टू से मल्टीप्लाई करना है और प्लस एट ऐड करना है तो 184 का डबल कितना होगा टू फोर 8 एट टू एट जा सिक्सटीन वन कैरी टू वन या टू थ्री प्लस में एट तो कितना हो जाएगा एट एट सिक्सटीन थ्री सेवेंटी सिक्स ठीक है ये भी सही आ रहा है आंसर मतलब यही अपना आंसर है ये थ्री वन एटी फोर आना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है वन एटी एट तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस तभी आपको दिमाग में आएगा क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे ठीक है नहीं तो आप सोचते रहोगे नहीं आएगा आंसर में ठीक है बहुत थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लेवल बोल सकते हो लेकिन प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट बोलते हैं ना तो करते रहोगे आ जाएगा आंसर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ये वापस से देखो स्टेटमेंट वाला आ गया इससे आपको क्या निकालना है लाही का अमल बोलते हैं ना इसको कोर्स ऑफ एक्शन एक्शन क्या होना चाहिए अगर कोई चीज़ दिया हुआ स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट में एक्शन क्या होना चाहिए यह आपको निकालना है ठीक है स्टेटमेंट पढ़ के क्या दिया हुआ है कि अ प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज फाउंड स्टूडेंट इन द सिटी सेलिंग पोर्नोग्राफी टू चिल्ड्रेन क्या दिया एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक तलब को शहर में बच्चों को फास्ट फिल्में फरोख करते हुए देखा तो ये तो बहुत खतरनाक है बहुत डेंजरस जुर्म है ये क्राइम है बहुत बड़ा क्राइम है तो क्या अलाका अमल होना चाहिए पहली बात तो ये क्या दिया आप प्रिंसिपल शुड नोट नस्टिकेट रस्टिकेट द स्टूडेंट क्या करना चाहिए प्रिंसिपल को स्टूडेंट को रस्टिकेट कर देना चाहिए इतनी ये देखो ये छोटी मोटी गलती नहीं है गलती कॉलेज में की जाती है कॉलेज के बाहर कर रहा है वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है तो पहली बात उसको क्या रस्टिकेट कर देना एकदम सही बात बोल रहा है वो क्योंकि बहुत बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है वो ठीक है तो छोटा मोटा तो है ना कि मस्ती कर रहा है क्लास में चलो कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं रेस्टिकेट कर दो ये सही बात है द स्टूडेंट शुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस पुलिस को क्या करना चाहिए इसको प्लीस के अंडर हैंड ओवर कर देना चाहिए इससे क्या होगा कि जो दूसरे बच्चे रहेंगे उसके संगत में आने से बच जाएंगे या लोग उससे फास्ट फिल्में जो स्टूडेंट को बेच रहे हैं वो नहीं बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगा तो बच्चे भी उससे बच जाएंगे तो ये दोनों किया जा सकता है तो क्या बोल सकते हो दोनों सही है तो ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता आइदर वन और टू नहीं है बोथ वन एंड टू फॉलोस ऑप्शन डी सही है दोनों एक्शन सही है उसको रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए ये भी सही है या पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए ये भी सही है दोनों सही है नेक्स्ट ये देखो ये मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं इसको मैथ के ऑपरेशन से आप में इसमें आपको मोस्टली बोडमास रूल पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं देखो चेंज करने बोलेगा इफ प्लस मिस माइनस प्लस का मतलब है माइनस और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड और डिवाइड का मतलब प्लस ठीक है ये आपको पहले चेंज करना है उसके बाद बोड मास रूल लगाना फिर आंसर निकालना है बहुत ईजी होता है ये देखो टू अब डिवाइड दिया डिवाइड का मतलब क्या दिया है डिवाइड मीन्स प्लस तो यहाँ प्लस कर दो सिक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड दिया तो यहाँ पे डिवाइड कर दो सिक्स और फिर डिवाइड का मतलब क्या दिया वापस से प्लस प्लस में टू अब इसका आंसर क्या आएगा तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल क्या होता है सबसे पहले डिवाइड होता है तो सिक्स डिवाइड बाय सिक्स ये होगा सबसे पहले सॉल्व क्या होगा ये तो सिक्स डिवाइड बाय सिक्स क्या होता है वन होता है टू प्लस वन प्लस टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस टू फाइव क्या आंसर आएगा फाइव ऑप्शन डी आपका करेक्ट है तो बहुत आसान होता है ये तो जो जो चेंज करने बोला उसके साथ चेंज कर दो और आंसर ले आओ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाँ ये भी एक अल्फ़ाबेट सीरीज होता है जिसको अपनों कंप्लीट करना होता है तो इसका एक पैटर्न होता है तो आप अगर गौर करोगे देखो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ना यहाँ में से यहाँ में से एक दो तीन चार मिसिंग नंबर है चारों में इस चारों में से क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है ठीक है चार अल्फाबेट मिसिंग है तो सबसे पहले उसको लिख लो क्या दिया हुआ है ए बी बी डैश बी ए डैश ए डैश बी ए बी डैश ए बी ये दिया हुआ है तो सबसे पहले हम काउंट करो कितने टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन का है तो या तो एट एट का पेयर बनेगा या फोर फोर का हो एक ग्रुप बना लो तो चार चार का मोस्टली बनता है एट का तो बहुत कम बनता है चार चार का बना के देखते हैं हम लोग ठीक है क्या बनाएंगे हम लोग चार चार का ग्रुप बना के देखते हैं ठीक है तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, चार चार का ग्रुप बन गया अब देखो क्या पैटर्न हो फॉलो हो रहा है तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ए बी बी ए हो सकता है यहाँ पे देखो लास्ट में बी ए दिख रहा है यहाँ पे देखो यहाँ से हिंट मिल रहा है बी ए है तो यहाँ बी ए ले सकते हैं हम लोग उसके बाद बी लास्ट में ए बी तो बी ए ए बी तो यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे भी बी हो सकता है और उसके बाद ए बी बी ए तो देखो ये ये और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है देखो ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी देखा आपको देखो ये फर्स्ट और थर्ड ये एक साथ फॉलो कर रहे हैं और सेकेंड और फोर ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है देखो ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी यही मेथड हो रहा करने का उसका ठीक है अब आंसर क्या आना चाहिए फिलअप क्या भरे तुमने ए बी बी ए ये चारों मिसिंग नंबर था तो हमने ए बी बी ए ये हमने भरा वहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर है तो इस तरह आपको पहले क्या करना है काउंटिंग करना है इसको उसके बाद ग्रुपिंग करना है अगर समझो बारह होता तो चार का बना देते या तीन तीन का बना देते ऐसे बनता है अगर एटीन होता तो थ्री थ्री का बनाते या सिक्स सिक्स का बनाते डिपेंड करता है वो पैटर्न के ऊपर तो सिक्सटीन था तो आसान हो गया फोर का बनेगा या एट का बना एट तो उतना लेन देन बनता है मोस्टली फोर का ही बनेगा ठीक है टू टू का भी नहीं बनता छोटा छोटा नहीं बनता है फोर का ही बनता है फोर और फाइव और सिक्स यही बनता है ज़्यादातर ठीक है टेन होता है तो फाइव फाइव का बना देते हैं हम लोग ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ये देखो ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है बहुत आसान होता है ये आपको थोड़ा सा रिले, रिलेशन से पता होना चाहिए तो पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन एक शरीफ आदमी की तरफ इशारा करते हुए दीपक ने क्या कहा क्या कहा हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ़ माई डॉटर्स फादर अभी इतना डेंजरस स्टेटमेंट आपको समझा ही नहीं होगा तो उसको उर्दू में पढ़ा करो या मराठी में पढ़ा करो तो थोड़ा ईजी हो जाता है इंग्लिश में थोड़ा सा टफ़ पड़ता है ये स्टेटमेंट समझना फिर भी आसान होता है इसका वाहिद भाई समझो एक जेंटलमैन है तो ये समझो मान लो तो ये जेंटलमैन है ठीक है ये जेंटलमैन है ठीक है इसकी तरफ इशारा करके क्या बोला है कि ही इज ओनली ब्रदर इसका एक लौता भाई तो कोई भाई होगा यहाँ पे उसका कौन है ये भाई है ब्रदर है ठीक है ये जेंटलमैन है उसका ब्रदर है ठीक है ब्रदर है ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर ये जो जेंटलमैन का भाई है वो किसका फादर है वो मेरी लड़की का फादर है मेरी लड़की का फादर मतलब कौन हुआ मेरी लड़की डॉक्टर मेरी लड़की के बाप का फादर सॉरी फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर मेरी बेटी के बाप का बाप है तो मेरी बेटी समझो मैं यहाँ पे हूँ ये यहाँ पे होंगे मैं मैं मतलब यहाँ पे दीपक की बात कर रहा दीपक ये दीपक हो गया दीपक की लड़की दीपक की कोई लड़की होगी यहाँ पे दीपक की डॉटर होगी ठीक है तो ये आदमी जो है मेरी बेटी के बाप का बाप है मतलब मेरे ही बाप हो गया वो ये ऐसे रहेगा ठीक है ये ऐसे रिलेशनशिप बनेगा अब पूछा क्या है हाउ इज द जेंटल मैन रिलेटेड टू दीपक जो ये जेंटल मैन है वो दीपक का कौन है ठीक है यही पूछा है तो ये अगर आपने अच्छे से बना लिया एक ट्री डायग्राम जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप का डायग्राम होता है अच्छे से अगर बना लिया आपको तो जस्ट जो पूछे वो बता सकते हो ठीक है तो दीपक का दीपक का ये बाप हो गया अब बाप का भाई कौन होता है चाचा होता है अंकल होता है ना तो अंकल ही होगा कहाँ पे ऑप्शन ये काका मराठी में क्या बोलते हैं काका अंकल चचा ये ऑप्शन था तो ऐसे आपको डायग्राम पहले बनाने तो सोचते रहोगे आपको तो भी आंसर नहीं आएगा एक बार डायग्राम क्लियर हो गया विद इन टू सेकेंड आप आंसर मार्क कर सकते हो जिसका भी पूछे फ्राक से मार्क कर सकते हो ठीक है